हेलो दोस्तों, आई होप आप और आपके डॉग सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, विंटर का सीजन शुरू हो चुका है तो डॉग के बीमार होने का रिस्क भी बढ़ गया है, तो हमें पता होना चाहिए कि हमें अपने डॉग को अब कैसे रखना है, अब उसकी केयर कैसे करें। गर्मियों का अलग था, सर्दियों का सिस्टम बिल्कुल अलग है, तो हम अपनी गर्मियों वाली आदत की वजह से डॉग को कहीं बीमार ना कर दें, इसलिए हमें पता होना चाहिए अब हमें क्या क्या चेंजेस करने चाहिए। अक्सर अभी देखने को मिल रहा है कि कई डॉग्स बीमार होने लग गए हैं, तो हमें अपनी हैबिट्स को देखना है कि क्या हैबिट्स थी हमारी समर्स की और अब हमें क्या चेंज करना है। तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज की वीडियो। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सर्दियों के टाइम पे ना हमें एक सबसे पहले इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि गर्मियों में डॉग अक्सर ठंडी जगह पे, ठंडे सरफेस पे, कहीं गीली जगह पे अक्सर बैठ जाया करता था, तो वो अब सर्दियों में भी ना जाके उसी जगह पे बैठने लगता है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि वो कहीं बिल्कुल गीली जगह पे ना बैठे। तो कुछ दिन ध्यान रखोगे वो उसकी आदत पड़ जाएगी, वो वहाँ पे नहीं बैठेगा, अपनी जगह पे सही गर्म जगह पे बैठेगा। तो ज़रूर ध्यान रखना है कि वो कहीं पे भी, जैसे कई डॉग्स की आदत होती है कहीं जहाँ गीला हो, जैसे उसका पानी का बर्तन जहाँ रखा होता है वहाँ पे गीला होता तो वहाँ पे बैठ जाता है डॉग, तो हमें वहाँ बिल्कुल नहीं बैठने देना उसको, नहीं तो वो बीमार हो सकता है। दूसरा, उसको हमें नॉर्मल टेम्परेचर में रखना है, कोई बहुत गर्म टेम्परेचर में नहीं रखना। उससे क्या है कि आप ज़्यादा गर्म जगह पे रखते हो, फिर ठंडी जगह पे आता है, फिर गर्म पे आता है, तो उससे वो बीमार होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो हमें बिल्कुल नॉर्मल जगह ही उसको प्रोवाइड करानी चाहिए। और उसके लिए हीटर बिल्कुल चलाने की ज़रूरत नहीं है, डॉग को हीटर की कोई ज़रूरत नहीं होती, उनको सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होने लगती है, उनको अस्थमा हो जाता है। तो आप हीटर तो बिल्कुल भी मत चलाइएगा उनके लिए, इनका बॉडी टेम्परेचर वैसे ही ज़्यादा ही होता है, इनको ज़्यादा सर्दी नहीं लगती है, तो इनके लिए बहुत ज़्यादा हीटर की इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। तो आप ध्यान रखें उनको नॉर्मल टेम्परेचर में रखें और उनका क्लाइमेट नॉर्मल ही रहे, ज़्यादा गर्म ना हो, ज़्यादा ठंडा ना हो। दूसरा, एक चीज़ का ध्यान रखें कि जैसे हमें आदत होती है हम फ्रिज में से निकालते हैं और दही या उसका खाना और उसे दे देते हैं, तो अब ये ध्यान रखना चाहिए कि अब विंटर आ गया है तो फ्रिज में से दही, क्योंकि दही एक ऐसी चीज़ है ज़्यादा से ज़्यादा डॉग को देनी ही पड़ती है, तो दही या कुछ और ऐसी चीज़ जो आप फ्रिज में रखते हो उसका, तो उसको पहले निकाल के रख लें कुछ देर पहले और उसके बाद ही दें उसको। तो डायरेक्ट फ्रिज में से निकाल के बिल्कुल ना दें, उसके बीमार होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। और एक चीज़ ये ध्यान रखें कि जैसे पानी हम समर्स में हम भर के रखते हैं इनके लिए, तो ये घूमते घामते पानी पी लेते हैं, तो अब सर्दियों में जब पानी भर के रखते हैं तो वो पानी थोड़ी देर में रखा रखा बिल्कुल चिल्ड हो जाता है, तो हमें इतना ठंडा पानी नहीं देना, उससे भी बीमार होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो पानी भर के मत रखिए अब सर्दियों में, जो भी एक दो घंटे बाद आपको पता ही डॉग कितनी देर बाद उसे प्यास लगती है, तो आप उसको थोड़ा सा वर्म वाटर ही दें, और मिक्स कर ना करें कि गर्म कर लिया उसमें फिर ठंडा मिला दिया, ऐसे मिक्स नहीं करें, उससे बीमार हो सकते। तो आप हल्का सा पानी गुनगुना करके रख दे सकते हैं उसको, वो आराम से पिएगा और बीमार भी नहीं होगा, फिर पानी का बर्तन हटा देंगे। और एक चीज़ का ध्यान रखें कि इनको इतने मोटे मोटे कोट वगैरह इनकी ज़रूरत नहीं होती है, तो आप इनको पहले बात इतने कपड़ों की ज़रूरत होती ही नहीं है। अगर आपके पास ऐसे डॉग हैं जिनमें बिल्कुल भी बाल नहीं है तो उनको आप कुछ पहना सकते हैं, अदरवाइज़ इतने कोट वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, इतने ज़्यादा कपड़े पहनने से इनकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, फिर इनको भी सर्दी लगने लगती है, ये इनको जुकाम, ये बीमार हो जाते हैं बार बार। तो आप इनको इतने ज़्यादा कपड़े वगैरह मत पहनाएं, और आप देखोगे कि जब आप कोट उतारते हो तो कोट पे इतने ढेर सारे बाल दिखाई देंगे इनके लगे हुए, इनके सारे हेयर शेड होने लगते हैं इस मौसम में, सारे बाल खराब हो जाते हैं, स्किन खराब हो जाती है। तो जब आप वॉक पे लेके जा रहे हो, अर्ली वॉक पे लेके जाते हो, तब आप इनको कोट पहना सकते हैं जैसे हवा वगैरह चल रही है, पर घर में आने के बाद उतार देना चाहिए, या पूरी रात के लिए कोट पहना के सोलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, तो इतना ज़्यादा कोट की है, इतनी गर्म कपड़ों की ज़रूरत नहीं होती है। और दूसरा, इनको ना नॉर्मल सरफेस प्रोवाइड कराएं जहाँ पे ये बैठते हैं ना कुको, तो जैसे कि बहुत मोटे गद्दे वगैरह इतनी ज़रूरत नहीं होती है, इससे ये बीमार होने लगते हैं।
फिर मोटे गद्दे पे बैठ रहे हैं ये, फिर इनको गर्मी लगने लगती है तो फिर ये ठंडे फर्श पे लेट जाते हैं, फिर ठंड लगती है, फिर दोबारा मोटे गद्दे पे, तो ऐसे बीमार हो जाते हैं। तो नॉर्मली रखे जैसे, इसके लिए मैंने शीट भी चाहिए, तो ये काफ़ी है इसके लिए। और दोस्तों इस मौसम में इनको ना एक्सरसाइज इनकी बिल्कुल भी बंद ना करें, जैसे पहले चल रही थी आप सर्द गर्मियों में घुमाने लेके जाते थे खेलते हैं, तो ऐसी सर्दियों में भी जरूर रखें। जिस डॉग की एक्सरसाइज होती रहेगी उसको बिल्कुल कभी ठंडी लग सकती, बिल्कुल बीमार नहीं होने वाला, वो एकदम फिट रहेगा, उसकी इम्यूनिटी पीक पे रहेगी। तो उसको आप एक्सरसाइज तो जरूर कराते रहिए और इन टिप्स को फॉलो कर लीजिए, इन बातों का ध्यान रखिए, आपका डॉग बिल्कुल बीमार नहीं रहेगा, पूरा हेल्थी रहेगा, विंटर को वो बहुत इंजॉय करेगा। डॉग्स के लिए तो ये टाइम बहुत ही अच्छा होता है, बहुत इंजॉय करते हैं, पर हम उनको ना कुछ ज़्यादा ही ख्याल रखने के चक्कर में ना हीटर में रख रहे हैं, मोटे मोटे कोट पहना रहे हैं, ऐसी चीज़ करके ना हम उनका मजा ख़राब करा देते हैं। तो उनको इंजॉय कर लेने दीजिए, थोड़ा ख्याल रखने की ज़रूरत होती है, यही ख्याल है कि भाई हम ठंडी चीज़ें ना खिलाएं पिलाएं इनको, तो इसमें डॉग कभी बीमार नहीं होगा और खूब इंजॉय करेगा इस मौसम को। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, आप ख्याल रखें अपने डॉग का और अपना भी साथ में। और दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि आपको ऐसी यूज़फुल वीडियो टाइम पे मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।